भाई ने क्वांटिटी गिर दी। देखो भाई जितना पनीर खा सकते हो उतना पनीर खाओ मस्त एकदम। पैसा वसूल। हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम यह चार मूर्ति के पास गौर सिटी 7th Avenue के सोसाइटी के नीचे आए हैं। तो यहाँ पे खाने की चीज़ें काफ़ी फेमस है, साउथ इंडियन फूड है। तो अभी फूड को थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं और बाकी एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया और बाकी शॉप भी भाई दिखा देंगे। भाई शॉप दिखा दो, बोरी सामने वो लिख रहा है ना अन्ना डोसा कैंप, भाई ये साउथ इंडियन कैंप है। तो गाइस यहाँ का मैंने सुना है कि यहाँ पे काफ़ी डोसा काफ़ी फेमस है यहाँ का। तो आज आपको यहाँ पे डोसा लेते हैं और खा के चेक करके बताते हैं कि कैसा रिव्यू है उसका, और बाकी मिलते हैं वीडियो में। चलो तो चलो भाई, भाई लेके आया आज, ठीक है, डोसा के नाम पे कि डोसा देखते हैं आज खा के कैसा रहेगा। चलो फिर गाइस, तो ये है शॉप 7th Avenue के नीचे, भाई मेकिंग कर रहा है, तो देखते हैं कैसा यहाँ पे मिलता है, ठीक है, बाकी चलते हैं। तो भाई भाई ने स्टार्ट कर दिया बनाना, बाकी साइड में किसी और का बन रहा, तो अभी लेप गेर दिया भाई ने डोसे का। ये रहा भाई, काफ़ी फेमस है मैंने सुना है यहाँ पे। ये रहा इनका मेन्यू, साउथ इंडियन फूड है, क्योंकि इनका मेन्यू पेपर वाला नहीं है, यही वाला है। भाई यू क्या चीज़ है दूसरी वाली, भाई क्या है पता नहीं क्या है ये चाप सी, भाई इन्होंने कहा मटर गिर दिया है भाई ने पूरा। तैयार हो गया भाई ने बटर गिर दिया, बटर गिरने के बाद भाई ये आगे पिट्ठी भाई इनकी एक चीज़ फेमस है कि पनीर की क्वांटिटी बहुत रखते हैं, मतलब तो किसी अगर पनीर का कोई शौक होने ना यहाँ पे ज़रूर आओ। भाई कितना खा सकते हैं वो आप देख सकते हैं, क्वांटिटी भी दिखाते हैं अभी। भाई ने क्वांटिटी गिर दी, देखो भाई जितना पनीर खा सकते हो उतना पनीर खाओ। तो भाई पनीर भर भर के पनीर गिर रही है भाई, जहाँ तक समथिंग रेडी हो चुका है। लो भाई बन के रेडी होगा बटर के साथ। भाई ले आया हमारा डोसा, देखिए कैसा लग रहा है भाई, देखते हैं। वैसे डेकोरेशन तो काफ़ी अच्छी है, अभी और खाने के बाद पता चलेगा, टेस्ट करके दिखाते हैं भाई कैसा रहेगा, सारा रिव्यू देते हैं फिर। बताओ टेस्ट करके इधर से शुरू करना भाई, कैसे ही कर लो, ये बटर अंदर लगा लो। कैसे शुरू करना, बटर अंदर लगाओ, बटर कहाँ लगाएंगे, अंदर लगा लो या ऊपर लगा, ऊपर लगा ले, अंदर लगा, अंदर लगा लिया। हम पे रात भाई खाना भी कैसे खाया जा? साउथ इंडियन फूड तो भाई मैं इतना बड़ा डोसा पहली बार लिया, राइस खाया जाएगा, ये चटनी होगी, अब बताओ टेस्ट। पैसा वसूल। तो भाई अब खाने के बाद मिलते हैं, पहले खा लेते हैं इसे। भाई डोसा काफ़ी अच्छा था, खाने के बाद पूरा स्वाद आया, खाया देखो किस तरीके से एकदम मस्त था भाई, पूरा साउथ इंडियन पूरा एकदम बेस्ट था, लेकिन सभी चीज़ें फेमस है भाई, मैंने तो खा रखी है, बाकी तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, अगर कभी इधर को आप निकल के जा रहे हो गौर सिटी की तरफ को, तो 7th Avenue में आके आप ट्राई कर सकते हो एक बार, देख रहे हो, ठीक है, जरा पूरी इसकी लोकेशन नाम। तो क्या कहना चाहोगे और डोसे के बारे में? डोसा ना भाई, मैंने इनकी ज़्यादातर सब चीज़ें ही खा रखी है, ज़्यादातर डोसा ज़्यादा बिकते हैं,
₹120 अच्छे और बजट में भी है, इतनी कोई महंगी भी नहीं है, सब चीज़ बजट में। तो गाय 120 रुपये में आप भर सकते हो एक बंदा अपना, एक बंदे को खाए बन जाए भाई। हाँ तो भाई ये ना कुछ ऐसी मार्केट है पूरी। तो भाई ये जो आप देख रहे हो पूरा मार्केट है, यहाँ पे खाने पीने की हर एक वैरायटी है, ठीक है, जो भी आप कुछ भी खा सकते हो वहाँ से वहाँ तक, ठीक है। काफ़ी लंबी चौड़ी वैरायटी है, मतलब मार्केट है और वैरायटी एक एक चीज़ है। ये सामने देख रहे हो, ठीक है, ये सामने जो है ये वाला, ठीक है, इस पर आप आके खा सकते हो, यहीं पर हमने ट्राई करा था, काफ़ी अच्छा था। और ये लोकेशन की बात करूँ 7th Avenue, ठीक है, गौर सिटी के पीछे ही पड़ेगा ये पूरा, ऐसे पूरा ये लोकेशन है, आप देख लो, चेक कर लो, पूरा अपार्टमेंट है ये, इसी बिल्डिंग के नीचे है, ठीक है। और टेस्ट की बात करूँ तो भाई कैसा था खाना भी, मतलब काफ़ी अच्छा था खाना, मतलब जो डोसा था काफ़ी अच्छा था भाई, मतलब अच्छा था, एक बार ट्राई करना अगर इधर को कभी आप जा रहे हो निकल के बाइक से जैसे भी घूमने आ रहे हो। और ये नोएडा वालों के, ग्रेटर नोएडा वालों के या गौर सिटी वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, और आके आप ट्राई करना जरूर है, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई चलते हैं अब घर।